जहां एक और स्टोरी लेके आया हूं मैं मोटोलॉग के साथ में। स्टोरी किसकी है? स्टोरी है जुल्फिकार की। जुल्फिकार का रियल नेम है मोहित। तो उसकी क्या स्टोरी है भाई? अभी तो टीनेजर ही, एक तरीके से टीनेजर नहीं बोल सकते, तो यंग एज में है 24। तो आपको बताते हैं क्या स्टोरी है, लाइफ का एक और पहलू, शायद ये पहलू भी किसी के साथ में है। लाइफ के इस पहलू का कनेक्शन उस सिचुएशन से है जहां बंदों को कंफ्यूजन मिलती है, या आप बोलते हो रास्ता नहीं मिलता, या उनको समझ नहीं होती, या फिर उस समझ में ही आगे निकल लेते हैं। तो ध्यान से सुनो स्टोरी। जब मोहित छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, चड्डी में वो सुसु करता, चड्डी में ही पोटी करता है, ची 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 ऐसी बात ना करो, चलो करता तो वही था ना, सब करते हैं भाई, तो वही है। ये टाइम था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उसने आईटीआई की। तब से अब तक लाइफ में पता नहीं था उसको कि गरीबी क्या चीज होती है। अंदाजा तो हो जाता है, बचपन में ही हो जाता है, मगर थोड़ा ठीक था क्योंकि पापा जी उसके गवर्नमेंट जॉब लग गए थे। और उनकी भी एक स्टोरी, वो छोटी सी स्टोरी है, मैं साथ में ही बता देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब लगे आर्मी वगैरह में, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो वहाँ वो टीच करते थे, मतलब जो ट्रेनिंग पे आते थे ना उनको टीच करते थे। वहां से छोड़ के आ गए भाई, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ गए, पेंशन बनने का भी वेट नहीं किया, आके फिर ये परेशान। अब यहाँ वो काम कर रहे हैं, और वही भाई ग्राउंड लेवल के बंदों की एक प्रॉब्लम, वाइन, वही बोलते हैं सोमरस जिसको बोलते हैं, उसके चक्कर में रहे। फिर अभी क्या हो रहा है बंदे के पास, अभी आईटीआई होने के बाद उसको पता चल रहा है कि लाइफ की रियलिटी है क्या। कबूतर करता है, पिजन का शौक है उसको, वो भी धीरे धीरे छुट रहा है। अभी मैंने भेजा था उसको गुड़गांव की तरफ, तो उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ और लर्निंग बना हुआ है, लाइट नहीं बना हुआ। तो लर्निंग में चल, मतलब लाइट बना हुआ है, लर्निंग नहीं बना हुआ, वो चला नहीं ओला उबर में, तो रिटर्न आ रहा है। उससे पहले ऑटो में टमटम में काम करता था, अगर पुराने अपने ब्लॉग देखे तो टमटम मिंटू से ई रिक्शा, उसको रोहतक में चलाता था। तब उसको पता चला पैसे की अहमियत का, कमाई भी हो रही है, 25-30 कमाई भी हो रही है, पहले नहीं हो रहे थे, मगर 25-30 में कुछ काम नहीं चल रहा भाई आज के टाइम। क्योंकि अगर कमाई देखी जाए ना, जैसे इनकम बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, उसी उससे ज्यादा स्पीड में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो भाई वही भार किस पे पड़ेगा, गरीब इंसान पे, अमीर को कितना फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। मगर बोलते यार अमीर ये भाई, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, या उनकी लाइफ है, या वो उधर पैदा हुए हैं भाई, वो उनकी लाइफ है, उनका मतलब भाग्य है। वो कई होते हैं जिनके घर में पैसा होता है और पैसे का सुखी नहीं ले पाते, कई मेरे जैसे होते हैं कमाते हैं मगर उसका सुखी नहीं ले पाते। डिपेंड करता है भगवान ने, ऊपर वाले ने क्या क्या लाइफ में लिखा हुआ है, तो उसको ना तो मैं बदल सकता ना कोई और बदल सकता। हम कितनी भी जोर ओवरमाइज कर ले, भगवान की भक्ति एक रास्ता है जिससे तुमको सब कुछ मिल सकता है। भक्ति के साथ काम भी करो, वही बात होगी, तुम भक्ति भक्ति करो, कुछ करो ना, ठीक है, तो ऊपर वाला भी कुछ कोशिश करने के बाद ही देगा, ये रियलिटी है। बोलते हैं भगवान आप देते नहीं, भगवान आप देते नहीं है, भक्त बोला कि देते नहीं है, देते नहीं। तो भगवान ने बोला तू कुछ करे तो मैं कुछ दूं, तो कुछ तो स्टार्ट कर। स्टार्ट करने का मतलब क्या, सपोज करो किसी ने एक छोटे सा दुकान खोल लिया, एक का चला एक का नहीं चला, जिसका भाग्य उदय अच्छा है उसने दुकान की, उसकी दुकान चल गई, उसके भाग्य में है। जिसकी नहीं चली भाई, क्या पता उसको ठोकर खा के आगे और अच्छी जगह अच्छा टाइम आए, क्या पता वो ठोकर उसकी लाइफ में लिखी हुई हो। तो ऐसे चलते हैं। तो अपना बैक टू स्टोरी, तो स्टोरी है जुल्फिकार की। तो अभी क्या है, मैं उसको बोल रहा हूँ 12th हो कर नहीं रहा अकेली, उसके नहीं बहुत बंदे हैं जो मेरे को दिख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो दिहाड़ी मजदूरी में ऐसे ही
कंपनियों के धक्के खाते हैं, जो धक्के तो मैं भी खा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बेसिक सिटिंग जॉब कर रहा हूँ, आईटी जॉब कर रहा हूँ, मगर धक्के तो मेरी लाइफ में भी है। मगर उस सिचुएशन से निकल जाएगा जहाँ बहुत ज्यादा टॉलरेट करना पड़ता है लाइफ को, ठीक है, बाकी किस्मत है भाई। तो अभी उसकी करंट सिचुएशन क्या है, अगर उसने 12th का री एग्जाम पास नहीं किया या जो मैंने बताया वो नहीं किया, मैं अपने स्पोज़ बता, ये नहीं कि मैं सब कुछ बता पा रहा हूँ, उसके हिसाब बिहाफ पे बता रहा हूँ कि कुछ कोर्स जो है मैं सिखा भी सकता हूँ, उसको काम मैं सिखा दूंगा, डिप्लोमा ले लेगा तो जॉब उसकी लग सकती है, वो आगे ग्रोथेबल है। गाइस दोस्तों एक चीज कहता हूं मैं, कोई भी सुन रहा, ये तो आप देखो रास्ता वो चुनो आगे चल के जहां ग्रोथ हो। अब डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर, आपकी सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशन को बड़ा बनाओगे तो लाइफ छोटी हो जाएगी, लाइफ को बड़ा बनाना चाहोगे तो सिचुएशन बदलती रहेगी। मैं भी स्टार्टिंग में भाई बताया मैंने लास्ट व्लॉग में भी कैसे कैसे क्या क्या किया था मैंने, नाइट क्लास में मैंने मजदूरी की है, मैंने काफी काम चेंज किए हैं, मैं फैक्ट्री में भी गया हूँ 5,000 की फैक्ट्री। भाई 5,000 मंथली सैलरी में बताओ क्या होता है, मैंने 5,000 मंथली सैलरी का किया है। दिल्ली में आप 7,000 में क्या होता है मेरे को बताओ, वो भी किया है मैंने। जितना धक्का मैंने खाया है ना लाइफ में बहुत हो गया, अभी तक धक्के चल रहे हैं। लाइफ जीना भी जरूरी है मगर एक रास्ता भी चुनो जिसपे करो। मैंने भी अपना रास्ता चेंज किया है, व्लॉगिंग भी एक रास्ता है जिसको पहले कोई नहीं मानता था मगर अभी सब कुछ छोड़ के भी व्लॉगिंग के पीछे पड़ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, मगर व्लॉगिंग में क्या है, टाइम देना पड़ता है भाई, किसी का किस्मत होता है वो जल्दी भी हो जाता है। एक बार टिकटॉक का टाइम आया था, टिकटॉक चली बैन हो गई तो वो हो गया, क्या पता भाई इसका भी टाइम आ जाए। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ, मतलब लाइफ में ना सर्कल वाइज कुछ ना कुछ आता जाता रहेगा मगर लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं होगा। लाइफ का देखो बच्चे, लाइफ में स्ट्रगल करते रहो। उसकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बताया, आप बोलोगे लंबी लंबी खासी स्टोरी, नहीं भाई मैं लाइफ की प्रैक्टिकल लाइफ की थ्योरी बताता हूँ जो आपको पूरे YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगी। YouTube छोड़ो, ये सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको कि एक पर्सन जिस सिचुएशन में है उसकी फ्यूचर में वो थिंकिंग क्या लेता है, क्योंकि यार 34 की एज हो गई है, दुनिया तो मैंने ही बहुत देखी है, धक्के जितने खाए उतनी दुनिया भी देखी है। तो भाई पढ़ो, जरूर पढ़ो, डिग्रियां भी काम आती हैं, अपनी आपकी पढ़ाई भी काम आती है, यानी कि काम नहीं आता, क्योंकि जो पहले नहीं पढ़ता वो पीछे परेशान होता है, ये सच्चाई है। तो पढ़ो लिखो और खेलो कूदो दोनों काम करो। और आज का दौर ऐसा है, बहुत फास्ट ग्रोइंग नेचर हो गया दुनिया का, फास्ट ग्रोइंग लाइफ चल रही है, फास्टली सब कुछ चल रहा है, पीस शांति है नहीं। तो भाई अगर आप 10th में हो, आप 12th में हो, अपना ना बैकग्राउंड पहले ही पब्लिश करने लग जाओ कि भाई मेरे को ये करना है, और अभी कुछ ना कुछ स्टार्ट करने लग जाओ। जैसे अभी